वेलकम बैक गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में जिसे हिंदी में छुपी हुई प्रेगनेंसी बोलते हैं अब देखिए ये जो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है ये कोई बीमारी का नाम नहीं है बल्कि प्रेगनेंसी में उत्पन्न होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भवती लड़की या महिला को कम से कम 5 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं लग पाता है और इनमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्हें नौ महीने तक अपनी प्रेगनेंसी की अनुभूति नहीं होती है और जब उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू होती है जिसे हम लोग लेबर पेन बोलते हैं तो वो इस लेबर पेन को पेट का एक सामान्य दर्द समझ लेती हैं या जिन महिलाओं को तेज लेबर पेन होता है तो वो इस दर्द को अपेंडिक्स का दर्द समझ लेती हैं और जब वो अपने डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप करवाने के लिए तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये कोई सामान्य पेट का दर्द या अपेंडिक्स का दर्द नहीं है ये आपको लेबर पेन हो रहा है तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब हम इस स्थिति को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी बोलते हैं अब देखिए जब किसी व्यक्ति को कपल को या किसी लड़की को महिला को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में पहली बार पता लगता है तो ज्यादातर लोग इंटरनेट पर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में सर्च करने लगते हैं और जब वो इस बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये जो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है इसमें प्रेग्नेंट महिला को प्रेग्नेंसी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं कोई संकेत नहीं मिलते हैं इसके अलावा उन्हें पता लगता है कि जब ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है तो महिला को पीरियड्स भी आते रहते हैं इस प्रेगनेंसी में और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिला को जो पीरियड्स हैं वो उनकी एक्सपेक्टेड पीरियड्स डेट के अराउंड ही पीरियड्स आते हैं जिसमें जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो हो सकता है कि कम ज़्यादा हो लेकिन उनको पीरियड्स इस प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं इसके अलावा अगर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के दौरान महिला यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो टेस्ट नेगेटिव आता है अगर अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड में जो यूट्रस है जो बच्चेदानी है वो खाली मिलती है तो ये जो जानकारियाँ आप लोग जुटाते हैं इंटरनेट पर सर्च करके इन जानकारियों को जब मैंने देखा तो पाया कि ये जानकारियां होती तो सही हैं लेकिन आपको ये जानकारियां बहुत ही लिमिटेशन के साथ बताई जाती हैं उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाता है कि जब किसी महिला को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है तो उनका बेबी बम्प नहीं दिखता है मतलब कि उनका पेट बाहर नहीं आता है क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के दौरान अब वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जब कम से कम पाँच मंथ की प्रेग्नेंसी में महिला को पता नहीं लग पाता है कि उन्हें प्रेग्नेंसी है या नहीं है उनको कोई साइनो सिम्टम्स नहीं मिलते हैं अब अगर हम लोग पाँच मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन देखें ये पता करने के लिए कि पाँच मंथ की प्रेग्नेंसी में बेबी बम्प दिखता है या नहीं दिखता है तो आप लोग इस चार्ट को देखो इस चार्ट में जो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है इसमें जो बच्चे का वजन है मात्र 307 ग्राम है और जब ये बच्चा पैदा होगा तब इसका जो वजन है वो तीन किलो के आसपास का होगा तो यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो प्रेगनेंसी के पहले शुरुआती महीने हैं पाँच महीने इसमें जो बच्चे का विकास है बहुत ही धीरे धीरे होता है इसमें जो बच्चे का वजन है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन जो ये लास्ट के चार महीने होते हैं इसमें बच्चे का वज़न बहुत ही तेजी से बढ़ता है इस बीच अगर पाँच मंथ की प्रेग्नेंट महिला है उनको अगर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है और ये महिला अगर थोड़ी सी मोटी है या इनके बैली uh, फैट अगर इनका इंक्रीज है पेट में चर्बी अगर ज़्यादा है देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो तो आप इनके पेट को देखकर कर ये पता नहीं कर सकते हैं कि इनको प्रेगनेंसी है या नहीं है तो मोस्टली अगर कोई महिला है जिनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है पाँच मंथ या छः मंथ की प्रेगनेंसी में और अगर आप लोग ये देखने बैठ जाओ कि भाई हम तो पेट को देख ही प्रेगनेंसी का पता लगाएंगे कि इनको प्रेगनेंसी है या नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोग पेट को देखकर कर पाँच या छः मंथ की प्रेगनेंसी में पता नहीं लगा सकते हैं एग्जैक्टली exactly कि उन्हें प्रेगनेंसी है या नहीं है तो इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को वो सभी बातें एक्सप्लेन आउट करने की जिससे आप लोग क्रिप्टिक प्रेगनेंसी को जान सकते हैं ये जान सकती हैं कि किन परिस्थिति में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है तो आप उस बात का 100 परसेंट कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगती है वीडियो पसंद आती है वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है जेनुअन लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद तो गाइज देखिए जो ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है ये बहुत ही रेयर केसेस में हम लोग देखते हैं मतलब कि बहुत ही कम लोगों को ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होती है लेकिन क्रिप्टिक प्रेगनेंसी की वजह से ये जो डर है ये लोगों में बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं ख़ास तौर पर ये जो डर है ये अनमेरिड कपल्स में बहुत ज़्यादा होता है ख़ास तौर पर अनमेरिड लड़कियाँ या महिलाएँ जिनको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और ये डर इस वजह से होता है क्योंकि ऐसे लोग जब इंटरनेट पर क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में रिसर्च करते हैं तो उनको जानने को मिलता है कि भाई ये जो प्रेगनेंसी जब किसी लड़की या महिला को होती है तो ना तो इस प्रेगनेंसी में कोई प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई देता है अगर आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट नेगेटिव आता है उल्टा जो पीरियड्स हैं वो टाइम टू टाइम बराबर उसी डेट पर आते रहते हैं सही ब्लीडिंग पैटर्न के साथ हो सकता है कि फ्लो थोड़ा कम ज़्यादा हो लेकिन पीरियड्स आते हैं फिर अगर आप लोग हिम्मत कराकर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड से भी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं होता है जो यूट्रस है वो आपको खाली मिलता है और अगर आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट के नेगेटिव आने के चांस भी रहते हैं मतलब कि इन जानकारियों में पूरा माहौल बना दिया जाता है कि आप क्रिप्टिक प्रेगनेंसी को आसानी से पता नहीं कर सकते हैं अब जब ये डर पैदा होता है तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसे हम लोग सुडोसाइसिस बोलते हैं इस सूडोसाइसिस में जो ये प्रॉब्लम जिस भी लड़की या महिला के साथ होती है उन्हें इजिली समझा पाना कि भाई आपको प्रेगनेंसी नहीं है वो किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत कठिन हो जाता है क्यों क्योंकि सूडोसाइसिस में महिला के शरीर के अंदर कोई सी भी सामान्य चेंजेस होगी उसको वो महिला अपनी प्रेग्नेंसी से कनेक्ट कर देती है लिंक कर देती है उदाहरण के तौर पर मान लो कि अगर किसी महिला को क्रिप्टिक प्रेगनेंसी नहीं है किसी भी टाइप की कोई प्रेग्नेंसी नहीं है और चांस अगर उनके जो पीरियड्स हैं वो फिक्स डेट पर नहीं आते हैं मान लो कि नेचुरल वजह के कारण किसी परेशानी की वजह से या नेचुरली अगर उनके पीरियड्स दो से तीन दिन तक लेट हो जाते हैं तो वो फटाक से ये सोचने लगते हैं कि कहीं उनके शरीर में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं है या फिर अगर उनकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो सही फ्लो के साथ नहीं होती है मान लो कि उनको लाइट ब्लीडिंग हुई या हैवी ब्लीडिंग हुई या फिर ब्लीडिंग में क्लोर्स पास आउट हुए तो वो फटाक से ये सोचने लगते हैं कि भाई कहीं उनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं है वहीं कुछ कपल्स तो ऐसे होते हैं कि उनके फिजिकल रिलेशन को बहुत दिन हो जाते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके वो प्रेगनेंसी को कंफर्म भी कर लेते हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं है टेस्ट नेगेटिव ही आता है लेकिन सडनली अगर महिला को या लड़की को पेट में दर्द हुआ ब्रेस्ट में दर्द हुआ वाई डिस्चार्ज हुआ या सिर में दर्द हुआ तो उसको वो फटाक से ये सोचने लगते हैं कि कहीं क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं है ऐसे लोग जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं सूडोसाइसिस को वो बार बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं बार बार अल्ट्रासाउंड तक कराते हैं और कुछ लोग तो इतना एडवांस टेस्ट जो बीटा एस ब्लड टेस्ट है उसको भी कराते हैं बार बार ये कंफर्म करने के लिए सिर्फ कि कहीं उनको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं है तो इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों का डर है उस पर ब्रीफली डिस्कशन किया है जो पहला डर है वो ये होता है आप लोगों को कि क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी होने पर महिला के शरीर में प्रेग्नेंसी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि ये कब होता है जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी है ये प्रेग्नेंसी में होने वाली एक ऐसी स्थिति है एक ऐसी कंडीशन है जब महिला को प्रेगनेंसी का पता नहीं लगता है तो जो ये लक्षण है ये भी किसी स्थिति में ही पता नहीं लगते होंगे तो ये स्थिति क्या है ये स्थिति है जब महिला को हार्मोनल इश्यूज होते हैं हार्मोनल इश्यूज जैसे कि पीसीओडी, सी थायराइड या महिला ने कोई हार्मोनल टैबलेट्स ली हैं या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है जैसे कि अनवांटेड 72 या आई पिल या कोई गर्म निरोधक गोलियां वो ले रहे हैं या फिर गर्म निरोधक इंजेक्शन उन्होंने लगवाया है तो ऐसी दवाइयों को लेने से क्या होता है हॉर्मोनल ईशूज़ होते हैं जब ये हॉमोनल ईशूज़ होते हैं या इन दवाइयों के जब साइड इफेक्ट्स होते हैं तब आपको प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स शो होने लगते हैं जैसे कि उल्टी होना मितली होना वाई डिस्चार्ज होना ब्रेस्ट में दर्द होना पेट में दर्द होना कमर में दर्द होना अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रेगनेंसी में होने वाले लक्षणों से बिल्कुल सिमिलर हैं मतलब कि मिलते जुलते हैं अब इस बीच अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है आपको तो खैर क्यों होगी अगर उस महिला को जिसको हॉर्मोनल इश्यूज हैं अगर उस महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उस महिला को ये लगता है कि ये जो लक्षण है प्रेगनेंसी की ये री रियल लक्षण नहीं है असली लक्षण नहीं है ये जो प्रॉब्लम है ये उन्हें हॉर्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो रही है तो वो इस टाइम पर इन लक्षणों को अवॉइड कर देती है अनदेखी कर देती है इन लक्षणों की और फिर जब चार पाँच मंथ निकल जाते हैं जब पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उनको लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है और जब वो प्रेगनेंसी की जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद जांच करते हैं कैसे करते हैं वो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे तो जब वो जांच करते हैं तब जाकर उनको कन्फर्म होता है कि उनको तो प्रेग्नेंसी है और इस बीच अगर वो किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रेगनेंसी का लक्षण ही नहीं है पेट को देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि पेट को देखकर तो आप पता ही नहीं कर सकते हो पाँच मंथ की प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी है या नहीं है तो वो जो डॉक्टर है उनको क्या डाइग्नोज करेंगे क्रिप्टिक प्रेगनेंसी इसी प्रकार आपको जो अगला डर है वो ये रहता है कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के दौरान महिला को बराबर पीरियड्स आते रहते हैं अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि चाहे कोई सी भी प्रेगनेंसी हो महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं हालांकि प्रेग्नेंसी के समय कुछ विशेष टाइप की ब्लीडिंग जरूर होती है जिसे महिलाएं अपनी पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग समझ लेती हैं पहली ब्लीडिंग पता है क्या होती है पहली ब्लीडिंग है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये तब होती है जब आप लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उस पर लगभग पाँच से सात दिन के बाद जो बच्चा है वो यूट्रस में जाता है वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है मतलब कि चिपक जाता है और जब बच्चा इम्प्लांट होता है तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलती है ये जो इंप्लांटेशन ब्लीडिंग है जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल रिलेशन बनाने के लगभग पांच दिन के बाद होती है और दस दिन के आसपास होती है अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है इसको भी आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं इसमें जो ब्लीडिंग का फ्लो है बहुत ही कम होता है ना के बराबर इसमें आपको स्पोर्टिंग देखने को मिलती है लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है इसकी जो रंग है ब्लीडिंग का जो रंग है वो आपको पिंकिश कलर का गुलाबी कलर का या फिर ब्राउन कलर का भूरे कलर का देखने को मिल सकता है इस ब्लीडिंग के होने पर आपको पैड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी कम ब्लीडिंग होती है दूसरी ब्लीडिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फेक मैं ब्लीडिंग मतलब कि ये आपके नकली पीरियड्स होते हैं ये नकली पीरियड्स आपको तब आते हैं जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं और आपको प्रेगनेंसी लगी हुई होती है लेकिन आप लोग पीरियड्स को लाने के लिए घर पर घरेलू उपाय करते हैं काढ़ा बनाकर पियोगे या गर्म चीज़ें खाओगे या कोई जड़ी बूटी खा रहा है कोई आयुर्वेदिक दवाई खा रहा है तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ब्रिक थू ब्लीडिंग होती है जिसे हम लोग विड्रोअल ब्लीडिंग बोलते हैं या फेक मैं ब्लीडिंग बोलते हैं इस ब्लीडिंग को महिलाएं अपने पीरियड्स समझ लेती हैं लेकिन ये आपके पीरियड्स नहीं होते हैं जो तीसरे टाइप की ब्लीडिंग है उसे हम लोग थ्री टेंड अबोशन बोलते हैं इसमें क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी लगी हुई होती है लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांटेशन साइड से वो खड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जिसे हम लोग सब क्रियोनिक हेमरेज या फिर पैरीजेस्टेशनल हेमरेज करके भी डायग्नोज करते हैं इस ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है उसका फ्लो बहुत तेज रहता है हो सकता है कि आपको पीरियड से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो और इसकी जो ड्यूरेशन है वो हो सकता है कि एक दिन में ये ब्लीडिंग बंद हो जाए हो सकता है कि आपको सात दिन तक ब्लीडिंग चलती रहे या हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग बंद करने वाली दवाइयों का उपयोग करना पड़े तब जाके ये ब्लीडिंग बंद होती है तो ये कुछ टाइप की ऐसी ब्लीडिंग है जो कि प्रेगनेंसी में होती है लेकिन महिलाएं इस ब्लीडिंग को अपने पीरियड समझ लेती हैं तीसरे टाइप का जो डर है वो ये होता है लोगों को सताता है कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी होने पर महिलाओं का जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है और नेगेटिव आ भी सकता है उसमें कोई दो राय नहीं है क्यों क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि आज उन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाया और कल को वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड होते हैं ये ऐसे ही थोड़ी काम करती हैं इनका काम करने का अपना एक तरीका होता है ये जो टेस्ट कार्ड है ये एक स्पेशल टाइप के हॉर्मोन को पता लगाने का काम करते हैं ये जो स्पेशल हॉर्मोन है इसे हम लोग बीटा बीटाएस हार्मोन बोलते हैं ये प्रेगनेंसी हॉर्मोन होता है और ये जो बीटा बीटाएससीजी हार्मोन है ये बच्चा बनाता है जब ये बच्चा यूट्रस में जाकर प्रॉपरली इम्प्लांट हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के कुछ घंटे के बाद ही ये प्रेग्नेंसी हार्मोन बीटा एस को बनाना स्टार्ट कर देता है फिर ये जो हार्मोन है ये पेशाब के रास्ते से शरीर से जब बाहर निकलता है तब जब आप लोग इस पेशाब के सैंपल से प्रेगनेंसी की जांच करते हैं तब ये टेस्ट कार्ड बीटा एस सी को डिटेक्ट कर लेते हैं इस टेस्ट कार्ड के ऊपर लिखा भी गया है बीटा एस तो ये इस हॉर्मोन को पता लगाने का काम करते हैं अब इस केस में होता क्या है कि आप लोगों ने फिजिकल रिलेशन बनाया और अगले दिन अगर आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी तो आप लोगों ने कंसीव कर ली लेकिन आपको जो टेस्ट है वो फेक नेगेटिव मिलता है इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है जो ये बच्चा है ये लगभग लगभग पाँच से सात दिन के बाद बच्चेदानी में जाता है वहाँ पर ये इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन के बाद ये बीटा बीटासीजी हार्मोन को बनाता है तो ये वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना वीडियो के लास्ट में ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा उसको अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी बात आप समझ जाएंगे इस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो फिजिकल रिलेशन बनाने के या तो फोर्टींथ डे पर करना है चौदहवें दिन करना है या फिर चौदह दिन के बाद करना है तभी आपको हंड्रेड सही रिजल्ट मिलता है अगला जो डर है वो लोगों को ये सताता है कि अल्ट्रासाउंड करने पर जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो सही नहीं आती है बच्चे दानी एकदम खाली मिलती है और बच्चे दानी आपको खाली मिल भी सकती है क्यों क्योंकि अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड बहुत जल्दी करा लेते हैं मान लो कि भाई आपने आज फिजिकल रिलेशन बनाया और पाँच दिन सात दिन के बाद अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में आपको प्रेगनेंसी का पता नहीं लगेगा अगर बच्चा यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो भी गया है तो क्यों क्योंकि अगर बच्चा अभी अभी इम्प्लांट हुआ है तो बच्चे का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है उसको अल्ट्रासाउंड मशीन से डिटेक्ट कर पाना ईजी नहीं होता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आपके पीरियड्स की डेट मिस हो जाए और पाँच दिन ऊपर हो जाए तब आपको अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो जब आप लोग ऐसी स्थिति में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब हमें प्रेगनेंसी की कुछ अर्ली प्रोसेस देखने को मिलती है जैसे कि जो एंडोमीट्रियम लाइनिंग है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है जैस्टेशनल सेक हमें देखने को मिलता है योग सेक देखने को मिलता है फिटल पोल हमें देखने को मिलती है तो ये प्रेगनेंसी की कुछ अर्ली प्रोसेस है जो कि हमें देखने को मिलती है अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में से इस क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का जो कीड़ा है वो निकलता ही नहीं है वो बारी बारी अल्ट्रासाउंड दे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट दे ब्लड टेस्ट करवाते ही रहते हैं तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सूडोसाइसिस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं आपके दिमाग से अगर इस अनवांटेड प्रेगनेंसी इस क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का डर अगर नहीं निकल रहा है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको जिस दिन आप लोगों ने फिजिकल रिलेशन बनाया उस दिन से आपको दिन काउंट करने हैं और 21वें दिन पर आप एक सिंपल सा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लो दिन के किसी भी टाइम करके देख लो अगर आपका टेस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट किसी भी टाइप की कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है और इक्कीसवें दिन पर अगर आप लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उससे कन्फर्मेशन हो जाएगा अगर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने में कोई शर्म आ रही है अगर आपको टेस्ट रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट कार्ड अगर आपका खराब है तो आप ब्लड टेस्ट करा लो दोबारा से इक्कीसवें दिन अगर आपका ब्लड टेस्ट में बीटा एस हार्मोन की जो मात्रा है अगर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो इसका मतलब आपका जो ब्लड टेस्ट है बीटा एस वो नेगेटिव है और आपको 100% परसेंट भाई प्रेगनेंसी नहीं है फिर आप ये जो रिपोर्ट है ये किसी भी वर्ल्ड में किसी भी डॉक्टर के पास दिखाकर अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर लो डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आपको भाई प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन स्टिल अगर आपको इस बारे में कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात मैंने आपको ना बताई हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लो अगर आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कंसल्टेशन के थ्रू आप लोग मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों का ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था इशू था वो आप लोग अच्छे से समझ सकें और क्रिप्टिक प्रेगनेंसी को आप लोग समझ सकें उसके डर को आप अपने दिल और दिमाग से निकाल सके तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो